हेलो एवरीवन, आशा सक्सेना वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इन हेयर्स में मैजिक हेयर कटिंग दिखाने जा रहे हैं और मैजिक हेयर कटिंग को हमने मैजिक बैंड से किस तरह से हेयर्स को सेट किया है वो भी बताएंगे। विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम हेड वॉश किए हुए हेयर्स में वाटर स्प्रे करेंगे और वाटर स्प्रे करने के बाद में फिर हेयर्स को सुलझाने का हम अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि हमारी हेयर कटिंग में कोई दिक्कत हेयर्स ना करें। इन हेयर्स को हमने जो थिन हेयर्स दिखाई दे रहे हैं रिमूव करते हुए किस तरह से फुल्ली स्टेप जो लाने का प्रयास किया है वो देखिएगा। इन हेयर्स को हमने सारे बैक पोर्शंस में लाकर कॉम्ब किया और कॉम्ब करने के बाद में सारे हेयर्स को हम क्राउन एरिया तक कॉम्ब करते हुए ले गए। देखिए, हम ना तो कोई सेक्शन इन हेयर्स में करेंगे और ना ही हम किसी प्रकार की सेक्शन क्लिप यूज़ करेंगे और बहुत ही इजी वे में जो आप घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से घर पर भी हम इस हेयर कटिंग को कर सकते हैं और अच्छे से हेयर सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, सारे हेयर्स को हमने क्राउन एरिया तक ले जाकर कॉम करते हुए अच्छे से ग्रिपिंग की। सारे हेयर्स को हमने अपने हैंड्स में कंट्रोल किया, सारे एरिया में अच्छे से कॉम करेंगे जिससे कि हमारी हेयर कटिंग अच्छे से दिखाई दे, हेयर्स छोटे बड़े ना हों। ये क्राउन एरिया तक ले जाकर अब हम जितना हमको हेयर कट करना है, जितनी हेयर्स की लेंथ लेनी है उतना हम कट कर देंगे। देखिए, सारे बहुत इजीली आप घर पर भी कर सकते हैं, अपने हेयर्स में भी इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। ले गए और 5 इंच के करीब हमने हेयर्स को कट किया है, जितने भी थिन हेयर्स से सारे हमने कट कर दिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लॉन्ग हेयर्स थे अब शॉर्ट हो गए, क्योंकि हम हाइट तक ले जा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर आपको कटे हुए हेयर्स को हम नहीं दिखा सकते हैं। 5 इंच के करीब हमने हेयर्स को कट किया है, क्योंकि हेयर्स और सीजर दोनों हमारे हाथ में है, तो हम हेयर कटिंग किए हुए हेयर्स को अलग से शो नहीं कर पाए। और वो तो लेंथ कम कितनी हुई है वो आपको दिख ही रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, 5 इंच के करीब हेयर्स को हमने कट किया और फिर से एक बार चेक करेंगे कि कहीं छोटे बड़े हेयर्स तो नहीं रह गए। देखिए, बहुत ही इजी वे में हम धीरे धीरे सारे हेयर्स को इक्वल ग्रिपिंग के साथ में ले गए। क्राउन एरिया के पोर्शन से हमने हेयर्स का जो माउंटेन पॉइंट एक तरह से मान लीजिए आप, वहाँ तक ले जाकर फिर कट किया है। एक बार फिनिशिंग देते हुए इन हेयर्स में, अगर छोटे बड़े हेयर्स हैं, देखिए अब दिख रहा है, तो फिर हम उनको इक्वल करेंगे। अब हेयर कट के बाद में, ये हमारा हेयर कट हो गया, कंप्लीट हेयर कट हो गया, और हेयर कट के बाद में अब हम मैजिक बैंड लगाएंगे जिससे हम हेयर्स को सेट करेंगे। ये देखिए, ग्रिपिंग के साथ में फिर से हम हाइट पर हेयर्स को ले गए और क्राउन एरिया का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी हाइट हमको ले जानी है।
ये देखिए अब हेयर्स कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने शॉर्ट हो गए। और ये हमारा मैजिक पेन, ग्रिपिंग की कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस हेयर कट को कर पाएंगे। मैजिक बैंड हमने लिया, खोला और फैलाते हुए देखिए इन हेयर्स को अब हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हेयर्स को हम सेट करते हुए फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए सारे हेयर्स इस तरह से एक प्रकार से आप बल के रूप में लगा सकते हैं। ये हमने मैजिक बैंड को ही हमको फोल्ड करना है और ये हम मैजिक बैंड को हमने लॉक कर दिया। आप घर पर भी इस हेयर कटिंग को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैजिक बैंड बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में और महंगा भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे हेयर्स को फोल्ड करते हुए मैजिक बैंड में लपेटा और उसके बाद में हमने लॉक कर दिया। लॉक किस तरह से है, उसको फोल्ड कर देना है तो वो खुलता नहीं है। अब हम ये हेयर्स जो हमने कटिंग की है मैजिक बैंड में फोल्ड किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, उसके ऊपर ड्रायर करेंगे। ये देखिए ड्रायर करने के बाद में ये अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए इस तरह से हमने इस हेयर कट को शो किया है। और अब हम ड्रायर के बाद में अब हम इस तरह से खोल रहे हैं, फोल्ड खोलते हुए हम ये दिखा रहे हैं। ये हेयर कटिंग के बाद में ये देखिए इस तरह से कर्ली हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और कितना अच्छा लुक आ गया। ये फ्रंट पोर्शन से हमने शो किया है, विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये मैजिक हेयर कटिंग का नज़ारा।